नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं टीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आईफोन में किसी भी ऐप पे अगर लॉक लगाना चाहते हो, कोई भी ऐप हो, फोटोज, गैलरी, कैमरा, आपके फोन कॉन्टेक्ट, मैसेज, फेस टाइम, गैलरी, कुछ भी हो, आप किसी भी ऐप पर्टिकुलर ऐप पे लॉक लगा सकते हो। जैसे ही ऐप कोई ओपन करेगा वहां पे लॉक लग जाएगा, आपका पासकोड या फिर अपना फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी, जो भी आपके फोन में लॉक फीचर है उसकी मदद से ही वो ओपन होगा। आप कोई भी ऐप ओपन करेंगे, एक सेकेंड के लिए ओपन होगा, उसके बाद वो तुरंत जो है लॉक लग जाएगा। कैसे लगाना है ये एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से आप यूज कर सकते हो। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी फोन में दिक्कत नहीं होगी जो थर्ड पार्टी ऐप से हो सकती है। कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, एकदम फ्री है और ये एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है। ऑटोमेशन है, कैसे करना है आपको मैं चलिए बताता हूँ। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज चैनल पर मिलती रहेंगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आ गए हम अपने फोन की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास जो डिवाइस है वो है iPhone 6s। आपके पास कोई भी आईफोन हो, सभी में ये चीज काम करेगी जो चीज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। और आपको पता होगा कि जो है, आप अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हो उससे अगर आपने किसी भी ऐप को लॉक करते हो तो काफ़ी सारे पेड होते हैं और सिक्योर भी उतने नहीं होते हैं जितना ये एप्पल का खुद का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके फ़ोन में ये शॉर्टकट का जो ऐप है ये होगा, सभी आईफोन्स में आपको ये मिल जाएगा। इसकी मदद से आपने किसी भी आईफोन के ऐप को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खोलने के बाद करना क्या है, यहाँ पे ऑटोमेशन पे आपको क्लिक करना है। ऑटोमेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको जाना है यहाँ पे ऐप्स में, यहाँ पे ऐप का ये इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से सिंपल से आपने उन ऐप्स को चूज कर लीजिए जिन पे आपको लॉक लगाना है। यहाँ से मैं अपने एयरटेल पे लॉक लगा देता हूँ, और जो जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से लगा सकते हो। मैसेज, फ़ोन और फोटोज़ पे लगा दिया, जो जो आपको चाहिए यहाँ पे लगा सकते हो। वैसे ज़्यादा ऐप्स नहीं है मेरे फ़ोन में, लेकिन फिर भी जहाँ पे मुझे चाहिए होता वहाँ पे मैंने लगा दिया है। यहाँ पे जैसे आप उन ऐप्स को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ से आप कीजिए डन, डन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे कर दीजिए। नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऐड एक्शन का बटन मिल जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ पे करना क्या है, सर्च कर लेना है टाइमर, टाइमर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च कर लीजिए टाइमर, और जैसे ही टाइमर सर्च करेंगे यहाँ पे नीचे स्टार टाइमर का एक ये बटन आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिनट्स दिख रहा होगा और यहाँ पे 30 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 01 डाल देता हूँ और मिनट्स की जगह पे मैं यहाँ पे सेकेंड्स डाल देता हूँ, कि जैसे ही मैं कोई ऐप्स ओपन करूँगा वो एक सेकेंड के लिए ऐप ओपन होगी और उसके बाद गाइस आपको जो है वो लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन एनी 5 ऐप्स आर ओपेंड, तो यहाँ पे आस्क बिफोर रनिंग पे हम यहाँ पे इसको जो है डिसेबल कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं डन। डन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ से जाना है आपको जो है क्लॉक में, क्लॉक में जाने के बाद स्टार्ट टाइमर पे जाना है। यहाँ पे टाइमर पे, यहाँ पे स्टॉप पेइंग का जो ये वाला बटन है यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है, यहाँ से कर देना है सेट। अब आपको बीच से कट हो जाना है और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि किस किस ऐप में लॉक लगा है, तो कैसे चेक करेंगे यहाँ पे, मैं अगर आप यहाँ पे ओपन करता हूँ तो जैसे ही ऐप ओपन करूंगा यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा ओपनड एनी 5 ऐप्स रनिंग योर ऑटोमेशन। यहाँ पे देखिए तुरंत जो है वो फोन मेरा लॉक हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये पासकोड मांग रहा है ऐप, तो यहाँ पे मैं अपना पासकोड डालता हूँ और जैसे ही पासकोड डालूंगा तब जाके यहाँ मेरा फोन जो है यहाँ पे ओपन होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कैमरे पे लगाया था या नहीं मुझे याद नहीं, मैंने कैमरे पे नहीं लगाया था शायद, तो कैमरा हटाते हैं यहाँ से। और अभी मैंने याद है कि मैंने इस पर जो है कॉल पे लगाया था, तो कॉल जैसे ही मैंने ओपन किया एक सेकेंड के लिए ओपन हुआ, तुरंत जो है देख सकते हो आप लोग जो है कि फ़ोन मेरा लॉक हो गया है। तो यहाँ से मैं अपना पासपोर्ट भी लगा सकता हूँ और मेरा अगर फिंगरप्रिंट लगा है तो वो भी मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था कुछ इस तरह से आप जो है अपने फ़ोन के किसी भी ऐप को जो है इस तरह से जो है लॉक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ओपन किया तुरंत फ़ोन लॉक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सो गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।